हे गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल रूपन मैथुन और आज मैं लाई हूँ एक और नया वीडियो सो so, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कोरियन स्टाइल मैगी तो so, ये ट्रेंड ना टू टू थ्री मंथ्स पहले आया था एंड देन पहले मैं ट्राई करती हूँ ना चीज़ों को यूट्यूब्स पे पोस्ट करने से पहले वीडियो तो so, ट्राई किया ना तो प्रॉब्लम क्या हुई उसमें मैंने तेल ज़्यादा डाल दिया तो काफ़ी ऑयली ऑयली नूडल्स हो गए तो मुझे बहुत गंदे लगे तो फिर मैंने ना उनको वन मंथ टू मंथ्स के लिए ट्राई किया फिर मैंने सोचा चलो एक और शॉट देते हैं ट्राई करा उसमें क्या हुआ कि जो तेल ज़्यादा गर्म हो गया फिर वो सब्जी जल गई सो so, मैंने कल थर्ड अटेम्प्ट करा है एंड ये वर्क हो रहा है तो so, आज मैं फाइनली वीडियो लाई हूँ एंड आई होप आज भी ये वर्क करे सो so, चलिए शो करते हैं सो गाइस अभी हम सबसे पहले हमारे पूरे कोरियन नूडल्स का फर्स्ट स्टेप करेंगे सो so, पहला स्टेप है इसका तड़का बनाना एंड जो कोरियन नूडल्स होता है ना वो थोड़े से स्पाइसी होते हैं तो हम इसके अंदर गरम गरम और स्पाइसी स्पाइसी चीज़ें यूज करेंगे सो so, सबसे पहले हम इसके अंदर डाल रहे हैं गार्लिक मैंने यहाँ पे गार्लिक को अच्छे से चॉप करा हुआ है एंड ट्राइंगल शेप में चॉप करा है अगर आपको नहीं मालूम ट्राइंगल शेप क्या होता है तो जस्ट नॉर्मली कट करो ट्राइंगल जो अच्छे से ग्रो हुआ होगा वो ट्राइंगल शेप में आ गया होगा उसको ही कहते हैं ट्राइंगल शेप कट करना उसको ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ना लो उसको कैसे कट करें सो so, ये वन स्पून है एंड ये गार्लिक को मैं अच्छे से साइड में रखूँगी नेक्स्ट अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर तो ये है हाफ स्पून से थोड़ा सा कम एंड uh, मतलब नॉर्मली ज़्यादा डाल रही हूँ मैं क्योंकि थोड़े से ज़्यादा स्पाइसी अच्छे लगते हैं तो ये रेड चिली पाउडर डालने के बाद में हम इसे अंदर डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स ये एक पैकेट के अंदर वन एंड हाफ स्पून या वन हाफ़ स्पून से थोड़ा सा कम आता है नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट क्योंकि इतनी सारी चीज़ें डाल रही हैं तो सॉल्ट मतलब नमक थोड़ा कम हो जाता है ना कैसे ना कैसे तो हम इसके अंदर डाल रहे हैं सॉल्ट अच्छे से क्योंकि हमें एक परफेक्ट टेस्ट चाहिए पिछले दो अटैम्प्ट की तरह इसको फील नहीं करवाना फिर हम इसके डाल डालेंगे रेड चिली सॉस एंड ये मैं डाल रही हूँ हाफ स्पून से थोड़ा सा कम क्योंकि मेरा वाला रेड चिली सॉस तीखा तो बिल्कुल भी नहीं है खट्टा है वो तो मतलब इसलिए मैं खट्टापन के लिए डाल रही हूँ इसको थोड़ा सा फिर आप मतलब मिर्ची वाला यूज़ कर लेना या फिर अगर आपके पास भी ऐसा खट्टा वाला हो तो उसको भी यूज़ कर लेना मतलब एक्सपायर्ड नहीं है लेकिन वो खट्टा है फिर इसके अंदर हम डाल रहे हैं वन स्पून से थोड़ा सा कम सोया सॉस एंड नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट जो मैगी में से निकलता है वो है मैगी मसाला तो यह मसाला का पैकेट मुझसे ओपन ही नहीं हो रहा था फिर फाइनली कैची सही मुझे इसको काटना पड़ा फिर ये ओपन हो गया बहुत ईजीली तो अब हम इसको डाल देंगे अच्छे से बीच में अच्छे से सोचा था लेकिन ये तो सब मसालों के ऊपर चला गया तो वो पूरा शो था जो मैंने इतना अच्छे से बनाया था पूरा बिगड़ गया बट टेस्ट से मतलब है हमें हमें इसके लुक से मतलब नहीं है नेक्स्ट हम इसके अंदर रहे हैं सेसमी सीट मतलब कि तिल एंड ये मैंने वन स्पून से थोड़ा सा कम लिया है so सो नेक्स्ट आपको ये मैगी जो है ना आपकी उसको बॉईल करने रखना है सो so ये पानी फाइव मिनट से बॉईल हो रहा था देन इसके अंदर मैं डाल दूँगी मैगी और इसको और अलग फाइव मिनट्स तक बॉईल करेंगी जब तक कि अच्छे से बॉईल ना हो जाए इसीलिए मैंने डाला था वन स्पून ऑयल ताकि नूडल्स एक दूसरे से स्टिक ना हो एंड अब हम पेशेंटली वेट करेंगे जब तक ये मैगी बॉइल हो जाए सो so गाइस मैगी बॉयल हो गई है तो मैंने उसको साइड में रख दिया ताकि वो गर्म पानी के अंदर रहेगी ना रहे थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी फिर यहाँ पे मैंने बॉयल करा है तेल टू मिनट्स तक गाइस को बॉयल करा फिर ये जलने लगा था तो मैंने इसके अंदर वन स्पून और डाल दिया फिर ना इस पर छीटे निकलने लगी लग तो मैंने जल्दी से इसको बंद करा देन हम इसको अपने मसाले में डालेंगे नंदू सो गाइस इसमें से जो स्मेल आ रही थी ना ओ हो हो मसालों की स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी मैं तो उसको मतलब सूंघते सूंघते मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे ऐसा तो लग रहा था कि मतलब बहुत अच्छी बनने वाली हमारी कोरियन मैगी देन आपको सब मसालों को अच्छे से मिक्स करना है एंड अगर आप रॉ वो रॉ गार्लिक नहीं खाते ना तो जब आप ऑयल को बॉईल ऑयल को, को मतलब गर्म कर रहे हो ना उसके अंदर ही गार्लिक के पीछे डाल देना और फिर हम इसके अंदर डालेंगे मैगी तो मैगी को डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब कर, पूरा मसाला ना मिक्स हो और ये मत भूलना कि मैगी में थोड़ा सा पानी होना चाहिए क्योंकि ना नहीं तो फिर जो नीचे मसाला है ना उसमें अगर कम तेल आप डाल रहे हो तो फिर वो मसाला मतलब वो हो जाता है कड़क सा हो जाता है फिर ये वन स्पून से मिक्स ही नहीं हो रहा था तो मैंने फोक ली फिर उसको अच्छे से मिक्स करा वन मिनट तक सब मसाला इसके अंदर मिक्स हुआ है एंड नाउ इट्स रेडी सो ये देखो कितनी सुंदर लग रही है मैंने इसके ऊपर से और तिल डाल दिया डेकोरेट करने के लिए एंड नाउ आई एम गोना ट्राई तो मैं सबको अच्छे से मिक्स कर रही थी क्योंकि जो ऑयल होता है ना मतलब फ्लेवर वाला वो पूरा ऑयल नीचे को ये सेटल हो गया था मतलब हो जाता है अगर थोड़ा सा ज़्यादा डाला हो बट मेरा नॉर्मल था एंड फर्स्ट बाइट एंड इट वॉज अमेजिंग मतलब बहुत ही अच्छा बना कल से ज़्यादा अच्छा बना और ये मेरा फोर्थ ट्राई है उनको नूडल्स को बनाने का और दिस इज हंड्रेड आउट ऑफ टेन बहुत ही अच्छा बना है तो मैं थर्ड या फोर्थ बाइट ले चुकी हूँ उसकी सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलता आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक देख रहे एंड